डोरी पाइपिंग के साथ नेक डिज़ाइन, स्टाइलिश स्लीव्स, साइड पॉकेट, फ्रंट ओपन स्लीव्स। आज हम इस सूट की डिटेल शेयर करेंगे। एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी इस कुर्ती की डिटेल लेके आई हूँ। इसकी मैंने जितनी भी आपको ये आज डिटेल बताऊँगी, इसकी मैंने सब फोर ये 7 पार्ट्स में बनाई हुई है। तो इसके सबके मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको देख लेना। और मैं एक एक करके इसकी डिटेल बताती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया है। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट ओपन विद कंट्रास्ट पट्टी ए लाइन कुर्ती है। ए लाइन कुर्ती है और इसकी लेंथ मैंने लॉन्ग रखी है, यानी कि 45 इंच रखी है। और साथ ही ये मैंने कंट्रास्ट पट्टी लगाई हुई है। अगर आप इसकी वीडियो कटिंग की देखना चाहते हो तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट है इसका, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर उसके बाद मैंने ये फ्रंट ओपन है जो हमारा, इसमें इसको डोरी पाइपिंग से बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरी डोरी पाइपिंग है और इसको मैंने इसको कैसे लगाया हुआ है, ये मेरे सेकंड पार्ट में है स्टिचिंग वीडियो में, तो आप उसमें से इसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने 7 पार्ट बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। अब ये है हमारा नेक डिज़ाइन, जिसमें मैंने ये डोरी पाइपिंग के साथ इस गले को फिनिश किया हुआ है। इसकी भी वीडियो शेयर की हुई है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। फिर इसके बाद मैंने ये अपनी डिज़ाइन भी मैं आपको दे दूंगी। और इसके बाद मैंने इसको साइड पॉकेट लगाई हुई है कुर्ती के, तो ये देखिए, ये साइड पॉकेट लगाई हुई है और ये काफ़ी डीप है। और ये साथ ही मैंने इसको अपने जो साइड स्लिट होती है उसके साथ अटैच किया हुआ है, कि जिससे कि हम कोई चीज़ बाहर डालते हैं तो ये बाहर की तरफ ना निकले, तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। और इसके साथ ही मैंने ए लाइन कुर्ती के स्लिट्स और ये पल्ला कैसे फोल्ड करते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप और कुछ मेरे से इंक्वायरी चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, उसका मैं रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।